मैं उस पीक पर गया था जहाँ का सबसे पुराना लाइब्रेरी है। अपना इंडिया गाड़ी देखते ही दिल खुश हो जाता है। तो गाइस ये हमारा होटल है जहाँ हम कल से रुके हुए हैं। उसने इस देश को एकीकरण करने के लिए काठमांडू में आक्रमण किया। गांव वालों ने बोला है कि ये एरिया लेपर्ड से भरा हुआ है, अब गंदे हो गए हैं और ये कुछ हमारे जूते और पैंट का हाल है। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर? किन भाई आका बुल राइडर दादा को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। हैव अ सेफ जर्नी। मेरा नाम तेजना पंडित। तेजना पंडित, तो इन्होंने भाई कल मेरा वीडियो भी देखा था। ये लोग भी कलंकी जा रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे चलेंगे। अभी आप जो देख रहे हो मीनार, इसे धरारा कहते हैं नेपाल में। तो भाई एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप भी होने वाली है। और हेलो, क्या नाम है आपका? अंबिका। अंबिका, ये जगह का नाम क्या है? इसे बोलते हैं धादिंग। ओके, समबडी टेल मी दैट इट इज नॉट सेफ। इट्स लाइक दैट एरिया ऑफ लेपर्ड। ओके, थैंक यू ब्रो। कुछ टाइम पहले यहाँ बाइक से दो लोग जा रहे थे रात में और लेपर्ड ने अटैक कर दिया था। जय महाकाली, रक्षा करो भगवान। बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, हू हा ही करके। गाइस अभी फाइनली हम एंटर होने वाले हैं भाईसो पार्टी एरिया में, जहाँ पर आनंद अंकल का घर है। और सबसे पहले मैं नेपाल में यहीं पर आया था, तो इस रोड पे है। सामने से कलंकी चौराहा था, इधर स्वयंभूनाथ की रोड जाती है और उधर एयरपोर्ट। तो यहाँ पे एक पेट्रोल टंकी है छोटी सी, जहाँ हम तेल डलाने वाले हैं। और भाईसो पार्टी देख के अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं एक महीना वहाँ रुका था। सो गाइस फाइनली काठमांडू से 40 किलोमीटर आगे हम लोग आ गए हैं। और हमारे साथ जो सर हैं, उनके जानने वाले की एक शॉप है यहाँ पर, तो यहाँ से कुछ चाय पानी करने वाले हैं। तो इस जगह का नाम है दादिंग। दादिंग जगह है, थोड़ा सा कठिन है इसको बोलना, थोड़ा सा कठिन है। तो नज़ारा बेहद खूबसूरत है और ये दाई हमारे खाना भी खा रहे हैं। तो चलो चाय पानी पी लेते हैं और उसके बाद हम अपना कारोबार दादिंग से आगे की ओर बढ़ाएंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? अंबिका। अंबिका, ये जगह का नाम क्या है? इसे बोलते हैं दादिंग सिमले, दादिंग धाड़े बोलते हैं। दादिंग धाड़े, थोड़ा कठिन है बोलना। हाँ, धाड़े। ये जानते थे आपको? लोकल नाम है ना यार। लोकल नाम है, पर लोग जानने वाले लोग जो है वो सिमले से जानते हैं। हाँ, इन्हें सिमले बोल रहे थे ये। हाँ, सिमले बोलते है, पर यहाँ के लोकल नेम है जो ये लोग को समझने में और जानने में थोड़ी तकलीफ होती है। अच्छा अच्छा, अच्छे होटल वाले हैं। अच्छा, तो क्या लेने वाले हैं? चाय? हाँ, तुम कौन सी चाय लोगे? कोई भी चाय चलेगी। क्या क्या? ब्लैक, ब्लैक ही चलेगी। इनको ब्लैक चाय, ब्लैक टी, हमको मिल्क टी हमारा वाला। चाय पी लेते भाई, लोग बहुत अच्छे हैं। सिमले, बाहर के लोग सिमले जानते हैं और यहाँ के लोग दादिंग दाड़े ऐसी जगह करके बहुत कठिन है भाई। चलो चाय पानी पीते हैं और उसके आगे अपना कारवां आगे बढ़ाते हैं। नोएडा गए हो? कहाँ गए थे भाई? अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो ऐसे मैं घर से आ रहा हूँ बिहार से। अच्छा, अभी मैंने देखा यूपी 16, अपना इंडिया गाड़ी देखते ही दिल खुश हो जाता है। कोई तो मिला इधर। चलो भाई चलते हैं फिर। तो गाइस यही है मनोकामना केबल कार, और आपको अगर मंदिर जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लगा है तो मुश्किल है कि मेरा उस पार जाना। तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, काफ़ी लंबी केबल कार जाती है यहाँ से, और ये शायद नेपाल की सबसे लंबी केबल कार है ना। क्यों सर? नेपाल की सबसे लंबी केबल वाली है ना ये कार? ये नेपाल की सबसे लंबी रोपवे है। गाइस हमारी गाड़ी अभी रुक गई है अन्न मनोकामना के आगे और मुगलिंग के करीब। तो इस होटल का नाम है इंद्रणी खाजागर। तो सर बोल रहे थे यहाँ के पराठे बहुत अच्छे होते हैं, तो हम पराठा वगैरह ट्राई करने वाले हैं। और मनोकामना के पास में भाई बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, इसलिए मैं कुछ खास क्लिप तो उसकी नहीं ले पाया। लेकिन हाँ, रोपवे बहुत लंबा है। अब सबसे लंबा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लंबा है, करीबन 20-25 मिनट लगता है ऊपर जाने में। और काफ़ी इंडियंस वहाँ पर जाते भी हैं, तो अगर आप विज़िट करना चाहो तो आप जा सकते हो। तो मुगलिंग के करीब हैं हम और ये है इंद्रणी खाजागर, और हम खाने वाले हैं यहाँ का पराठा और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर।
गाइस फाइनली हमने बांदीपुर के अंदर एंट्री ले ली है और 30 किलोमीटर से ज़्यादा की ऑफ रोडिंग हो गई है। मतलब इतना ऑफ रोडिंग हो गया कि हमारा मन भर गया है, बैंड बज गई भाई बैंड। और फाइनली अभी बांदीपुर पहुंच गए, अब देखते हैं ऊपर हमें क्या ही मिलता है। और बाकी की बातें मैं रुक के बताऊंगा, क्योंकि गाड़ी पे हो सकता है आवाज़ ज़्यादा आ रही हो, वॉइस रिडक्शन के लिए मैंने माइक नहीं लगा रखा है। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बांदीपुर में। तो बांदीपुर कुछ ऐसी है, एक हिल स्टेशन टाइप का, जहां आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो ये पार्किंग है, यहां पर ओपन पार्किंग है, इसमें थोड़ा सा डर रहता है भाई ऑयल ऑयल का चोरी ना हो जाए, क्योंकि ये लास्ट टाइम हमारे साथ वर्दी पास में हो चुका है। और ये बाइक देखो भाई क्या बेहतरीन बाइक लग रही है, BMW की बाइक है। ब्रदर ने बताया कि ऊपर साइड में मंदिर है और इधर एक फेमस मार्केट है, तो काफ़ी फॉरेनर वगैरह भी आते हैं यहाँ, जैसे ही मैं उतरा हूँ तो देख रहा हूँ, तो मज़ा आने वाला है। ये जगह थोड़ा सा, मतलब इधर का घर वगैरह का डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा जैपनीज़ और यूरोपियन स्टाइल में है, तो आपको नेपाल का एक अलग रूप देखने को मिलेगा अगर आप ये सब जगह एक्सप्लोर करते हो। क्योंकि लोगों को नेपाल मतलब सिर्फ काठमांडू और पोखरा दिखता है, ससर ने कहा है, और ये सच्चाई है, आपने ऐसे अनएक्सप्लोर जगह को नहीं देखा है। और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे बहुत कम ही वीडियोस होंगी बांदीपुर जैसी जगह की। तो देखिए सामने से फॉरेनर भी आ रहे हैं बहुत अच्छी जगह लग रही है, लेकिन कुछ खास मुझे नहीं मालूम है, इसके बारे में पता करूँगा और फिर आपको मैं बताऊँगा कि क्या कुछ खास है यहाँ का। तो गाइज़ ये है बांदीपुर विलेज, जिसके बारे में यार पता चला ये जगह देखने में इतनी खूबसूरत है ना कि मैं बता नहीं सकता भाई। यहाँ पर प्राचीन गुफा है और यहाँ से कई चोटियाँ भी दिखती हैं, जैसे मनालसू हो गया, धौलागिरी हो गया, लांगटांग हो गया, तो कई चोटियाँ भी यहाँ से दिखती हैं। और ये फेमस है प्राचीन मंदिर थानी माई और अपनी गुफा के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर आते हैं, क्योंकि हाइकिंग के लिए फेमस है और इसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं। जैसे हमारे मसूरी को कहते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, वैसे इसको भी क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं। तो जगह बहुत खूबसूरत है, मन को शांति देने वाली, मतलब एक बार को अगर आप काठमांडू से कंपेयर करें तो एज अ विलेज ये उसके बराबर है भाई साहब, बहुत खूबसूरत। मैं इसकी कुछ क्लिप्स शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप देखिए। और अभी तो शाम होने वाली है, क्योंकि होटल वालों ने मना किया कि शाम को ना निकले, यहाँ पर लेपर्ड वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अवॉइड करेंगे। और हो सकेगा तो मॉर्निंग में मंदिर है वहाँ जाएंगे हम। तो गाइज़ ये होने वाला है आज रात के लिए हमारा होटल, फिर कल सुबह हम पोखरा के लिए जाएंगे। तो काफ़ी यार एकदम क्या ही बताऊँ, एकदम फॉरेन वाला फील है, छोटी सी खिड़की है जैसे इटली वगैरह में होती है, वेनिस सिटी में, तो ऐसे छोटी सी खिड़की भी है जहाँ से आप मॉर्निंग में ये स्ट्रीट का मज़ा ले सकते हो। देखो तो सामने लगभग सभी होटल कुछ इसी अंदाज में ही बने हुए हैं। तो ये हमारे दो बेड हैं दो लोगों के लिए, चेयर भी है, और पीछे का सीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से अलमारी होगी कपड़े रखने के लिए। तो पीछे बहुत बढ़िया सीन है, नीचे बैठने का भी सीन है, आप बैठ सकते हो। देखिए यहाँ से दिखा रहा हूँ ये सब बैठने के लिए, और पीछे आप मज़ा ले सकते हो। शायद अभी मौसम नहीं साफ है, मौसम साफ होगा तो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा और सब आपको दिखाएंगे, बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं होगा वीडियो में, ना आप स्किप करना, पूरा वीडियो देखते रहो और मेरे साथ नेपाल को एक्सप्लोर करो, जिन्हें ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है। वुडन स्टेयर, एकदम गाँव वाला फील। हेलो दाई, कौन रास्ता पूछ लिया है, बहुत ज़्यादा तो ऊपर नहीं दिख रहा है, हालांकि थोड़ा फास्ट फास्ट जाऊंगा ताकि जल्दी आ जाऊं, क्योंकि सूरज तो ढल चुका है, हल्का फुल्का अंधेरा भी हो गया है, तो कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी जाने का। तो ये है एंट्रेंस गेट मंदिर की ओर जाने का, और कुछ लोग जा भी रहे हैं तो इनसे रास्ता बराबर पूछते रहेंगे नेपाली में, ये भी बहुत कम लोग को इधर हिंदी आती है। वॉट अ व्यू यार, क्या व्यू है यहाँ से। और इस तरह के बहुत सारे अभी स्टेयर चढ़ने हैं, अभी तो कोई यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है, अगर खतरा लगा तो वापस भी आ जाऊँगा क्योंकि ये लेपर्ड का एरिया है यार। ओके, समबडी टेल मी दैट इट इज़ नॉट सेफ, इट्स लाइक दैट एरिया ऑफ लेपर्ड। ओके, थैंक यू ब्रो। सो बॉस, दिस इज़ अ टेम्पल, और मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा, क्योंकि गांव वालों ने बोला है कि ये एरिया लेपर्ड से भरा हुआ है, तो फटाफट आप देख लो
ये टेंपल है काफ़ी पुराना और बहुत हाइट पे है ये। जय महाकाली, रक्षा करो भगवान, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा मैं यहाँ पे। वैसे अगर मॉर्निंग में आते तो बहुत अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से, बट सेफ्टी इज़ फर्स्ट। कुछ रशिया के लोग नीचे मिले थे जिन्होंने भी बोला कि फ्लैश लाइट है तो नीचे आ जाओगे, तो थोड़ी हिम्मत मिली मुझे तो दर्शन कर लिए हैं। हालांकि जल्दी जल्दी किया है, लेकिन सनलाइट जाने से पहले मुझे नीचे जाना होगा, तो अभी मिलते हैं नीचे की ओर। फाइनली नीचे आ गया मैं, हालांकि हालत ख़राब हो गई, ऊपर मैं अकेला बंदा था और बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें आ रही थी हू हा ही करके, तो मैंने जितना फास्ट हो सकता था उतना फास्ट नीचे आ गया जय माता दी बोलते हुए, क्योंकि सब ने तो डरा रखा है कि हाँ भाई लेपर्ड का इलाका है। कुछ टाइम पहले यहाँ बाइक से दो लोग जा रहे थे रात में और लेपर्ड ने अटैक कर दिया था, तो थोड़ा सा डर था, लेकिन फाइनली आई कंप्लीट इट एंड सब कुछ छोड़ के बोलो जय माता की। तो ये गाइस मंदिर है और बंदीपुर में आपको बहुत पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी, क्योंकि ये सन 1700 के करीब का गाँव है, बहुत पुराना गाँव है। तो एक स्ट्रीट है और उस स्ट्रीट पे पूरा गांव बसा हुआ है। तो ये टेंपल है और ये यहाँ का सबसे पुराना लाइब्रेरी है। इसको फिर से बनवाया गया था 11 जनवरी 2008 में, ठीक है। तो देख लो इसके बारे में कुछ, और यहाँ से क्या क्या दिखता है उन सब के बारे में भी लिखा हुआ है, या क्या क्या इनकी सर्विसेज हैं इस पर लिखा हुआ है। तो एक बार फटाफट लाइब्रेरी दिखाता हूँ, शायद बंद है, कल से ही बंद है। और ये गाइड है यहाँ की, आप इसको स्कैन करके इसके बारे में जान सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और कुछ यहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे हैं, उनके बारे में दिखाता हूँ। और ये भी एक मंदिर है, विंध्यवासिनी माई, आई थिंक ये सबसे बड़ा मंदिर है इस स्ट्रीट का। और अभी यहाँ पर करीब 6:30 बजे हैं, सब सो रहे हैं, कोई शॉप भी ज़्यादा नहीं खुली है, तो मैं ही उठ गया हूँ। ये मैप लगा हुआ है, एक तरह का साइन बोर्ड है, आप इधर से जा सकते हैं। और यहीं से रास्ता जाता है यहाँ की सबसे प्राचीन गुफा, एक गुफा है, प्राचीन गुफा है, करीबन 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन बारिश हुई है तो फिर उधर जाना ठीक भी नहीं है, हाइकिंग करके है। तो यहाँ से बहुत छोटे छोटे से हाइक और ट्रैक हैं, इसे करने के लिए फॉरनर वगैरह आते रहते हैं। और कल मैंने मंदिर के बारे में आपको दिखाई दिया, तो ये कुछ खास जगह थी यहाँ की, एक थानीमाई मंदिर, एक रेशम की खेती भी नीचे होती है। चलिए मैं थोड़ा सा देखता हूँ, अगर मौका लगता है पास में होगा तो दिखा देता हूँ। वैसे ये 2-3 चीज़ें यहाँ की मेन है, एक रेशम की खेती, थानीमाई का मंदिर और ये प्राचीन गुफा। और बाकी यहाँ से कुछ पीक्स भी दिखती हैं जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो आज फटाफट मॉर्निंग में ये सब निपटा के हमें जाना है पोखरा के लिए, क्योंकि सुबह होते ही काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आज तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो ये स्ट्रीट पूरी क्लाउड से भर जाती है, बहुत सारे बादल यहाँ पर आ जाते हैं तो कुछ भी दिखना मुश्किल होता है। पर बारिश हुई है इस वजह से क्लाउड वगैरह थोड़े से नहीं है इधर। तो आप स्ट्रीट का व्यू देखिए यार, क्या ही खतरनाक। कुछ कुछ मुझे गैंगटॉक की भी याद दिलाता है, लेकिन गैंगटॉक में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा घर वगैरह है, वैसे यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, कल मैं उस पीक पर गया था थानी माई के दर्शन करने, हालांकि वो देखने में छोटी लग रही है लेकिन काफ़ी बड़ी है, वो दिख रही होगी वो पीक। और उधर मतलब पैंथर वगैरह भी आते हैं, तो थोड़ी सी पड़ गई थी मेरी, क्योंकि अंधेरा हो गया था तो जल्दी जल्दी वापस भी आना था। तो फुल ऑफ एडवेंचरस रहा मेरा कल का दिन, क्योंकि थके भी थे। और ऑफ रोडिंग का तो मैं क्या बताऊँ, यहाँ बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है। अंकल आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं ऐसे, यो सिल्क खेती कति दूर पर हो? सिल्क को खेती, रेशम खेती हाँ, रेशम खेती हमारा 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट की दूरी पर है। देखते हैं कुछ ऐसे ही मार्केट वगैरह ही एक्सप्लोर करते हैं, शॉप्स मिल जाएंगी यहाँ से, आप लोकल मांदीपुर लिखा हुआ टी शर्ट वगैरह भी खरीद सकते हो 250 रुपये नेपाली करेंसी में। अभी हमारे साथ हैं इस होटल के ओनर, और इस जगह के बारे में बहुत कुछ जो हिडन इन्फॉर्मेशन है ये आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा कह रहे हैं शर्म भी आती है, तो इनसे मैं कहूँगा कैमरे को ना फेस करें। और अगर आप प्लान कर रहे हो नेपाल आने का, तो अपने बकेट लिस्ट में सबसे पहले इस बंदीपुर को जरूर डालना। तो आइए जानते हैं इस जगह के बारे में।
सर्वप्रथम मेरा नाम द्रविण प्रधान है। ठीक है, यहाँ पे न्यारी लोग बंदीपुर में कैसे आया, कैसे बैठता था उस समय हमारा वो न्यार काठमांडू में मल्ला राजा था। मल्ला तो गाइस ये हमारा होटल है जहाँ हम कल से रुके हुए हैं, ये सामने नेवा। तो यहाँ पर अगर आप गूगल करोगे तो सबसे पहले जो यहाँ पर रहते थे वो नेवार्स कम्युनिटी के ही थे। तो हमारा सौभाग्य है कि हम नेवार्स के यहाँ रुके हैं और ये स्ट्रीट पे ही है। और आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर होटल की स्टार्टिंग 3,000 से 3,500 नेपाली रुपीज़ में है, लेकिन हमें ये होटल काफ़ी सस्ता मिला है, हमें होटल 1,000 रुपये में मिला है। तो आप अगर आते हो तो नेवार्स के यहाँ ज़रूर रुकिए, क्योंकि ये एक मतलब पुराने स्टाइल के, यहाँ पर जितने भी हैं पुराने स्टाइल के हैं, लकड़ी का ही घर है और आपको काफ़ी फ्रेंडली लोग मिलेंगे। सामने एक बार काउंटर मिलता है और खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, नेपाल के लोग घी बहुत प्यार से खिलाते हैं यार। तो अगर आप घी के शौकीन हो और एक मतलब सादे खाने के शौकीन हो तो बहुत अच्छी तरह से खिलाते हैं। मैं करीबन 5 दिन से वैसा ही खाना खा रहा हूँ और बस लखनऊ जाके बहुत मिस करने वाला हूँ। तो ये हमारा होटल है, आप बढ़िया सुबह यहाँ खिड़की से बाहर देख के मज़ा ले सकते हो यार। तो चलते हैं पोखरा की ओर। कैसा लगा आपको बंदीपुर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। भाई आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और भी आगे जाऊंगा और तभी यार मन लगता है। देखो सपोर्ट करते हैं लोग तो ही मन लगता है वीडियो बनाने का, इधर उधर जाने का। तो वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए और जितना हो सके शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर सीधा पोखरा में, तब तक के लिए बाय।